साथ यहाँ पर जुड़ते हुए। आज पहाड़ी भाई ने पूरे टीम के साथ में क्या ही परफॉर्म किया है, जीरो के डिस्कशन में। नहीं मैंने कुछ आपने मैच ही नहीं देखा। नहीं पहाड़ी भाई आपका बीच में जो आप मचा रहे थे ना, वो परफॉर्मेंस आपका बिल्कुल सही था। मैं पूछना चाहूंगा मोनिश और टकीला भाई से, आज के परफॉर्मेंस कल निकला था, आज कुछ नहीं था भाई। मतलब हम वेट कर रहे हैं कि भाई अब ओरैंगुटान एलीट अब चमकने का टाइम आ गया। टॉप फोर में तो डेफिनेटली थे, बट फिर भी हमें ना हल्का सा लाइक अंदर से ना लाइक आ रहा था भाई अब खिलाएंगे, अब भूया निकालेंगे। बट स्टिल कंसिस्टेंसी वॉज ऑसम एंड अब टॉप फोर में तो भाई आ गए हो, बट अब आगे टॉप पे कैसे जाना है वो पहाड़ी भाई आप बता दो। टॉप पे अब जो स्ट्रेटेजी थी वही खेलेंगे, कुछ चेंजेस है फाइनल के लिए सोच के रखे हुए जो करेंगे एक्स्ट्रा। क्या तो क्या बता दो वो चीज यहाँ बताने लायक नहीं है। अच्छा ये बताओ वो पहाड़ी भाई, एक सवाल पहाड़ी भाई, तो जो इंडियन फाइनल्स में जो आपकी स्ट्रेटेजी थे वही होने वाले हैं ग्रैंड फाइनल्स में जब आप पाकिस्तान और नेपाल के अगेंस्ट खेलोगे, या फिर वो स्ट्रेटेजी आपके चेंज होने वाले हैं? देखो ड्रॉपिंग पॉइंट का बात रही तो ड्रॉपिंग पॉइंट तो ज्यादातर सबको पता ही है कौन सा ड्रॉपिंग पॉइंट किसका है और कौन कहाँ उतरेगा। गेम वही रहेगा बट थोड़ा सा चेंजेस है जो सोच रखे हैं। लिख लेता हूँ, कहाँ लेट रोटेशन लेना है, कहाँ जल्दी रोटेशन लेना है, या कौन कौन सी जगहों पे फाइट अवॉइड करनी है, वो चीज थोड़ी हमने चेंज करी है, बाकी तो सब सेम ही रहने वाला है। आपके फैंस के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा ग्लोबल फाइनल्स के वक्त? बस यही प्यार दिखाते रहो जो आप दिखाते आ रहे हो अभी तक, लव यू ऑल। सुन लिया भाई, हम यही प्यार दिखाएंगे आपको। भाई आप कुछ पूछना चाहेंगे पहाड़ी भाई से, फिर हम आते हैं मोनिश भाई की तरफ, फिर हम आते हैं टकीला भाई की तरफ। रॉकी भाई, मैंने बहुत बहुत क्लोजली जानता हूँ, जो बोल दिया उसने बोल दिया, इससे ज्यादा पूछना बनता नहीं है लकी को। मोनिश भाई आपके पहाड़ी है और एंड ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होंगे, क्योंकि मैं बता दूं कि स्टैटिस्टिकली देखा जाए ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिन्होंने गरीना का जो लास्ट इवेंट हुआ था ट्राई सीरीज उसमें काफी तंग किया था वहां पे पाकिस्तान की टीमों को, तो पहाड़ी विल बी अवर ट्रम्प कार्ड फॉर श्योर फ्रॉम टीम इंडिया। या फ्रॉम टीम इंडिया एंड ओरैंगुटान। ये आप ये टकीला भाई और रॉकी भाई ये जो चीज थी कि अब ये ओजी है, टीजी है, डीजी है, एरो है, कैमिन है, ये अब ये नहीं कहलाएंगे, अब ये कहलाएंगे टीम इंडिया। ये जो टैग होता है ना ये बहुत बड़ा टैग होता है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे टकीला भाई, मोनिश भाई? अरे भाई वो डेफिनेटली मैं जरूर से कहना चाहूंगा कि टीम इंडिया को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ओरैंगुटान आई हैव टू एडमिट बहुत अच्छा खेली, बट मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, वो स्पेसिफिकली पगेट्री का मैप था एंड रोटेशन ले रहे थे किसका था कि वो राइट टीम ओरैंगुटान। एक्चुअली क्या था जो हमारा आईजीएल था उसका निशानी लगी हुई थी, उसकी निशानी लगी हुई थी और वो बाइक चला रहा था, पिछले पांच चार गेम में उसने बाइक चलाई थी, उसको ध्यान ही नहीं था बिल्कुल, एकदम माइंड से निकल गया था। चार गेम में किसी ने नहीं मारा, वो चार गेमों में चलाया था वो बाइक, लेकिन पांचवे गेम पे वो कह रहे कैसे पड़ रही गोलियां, फिर बाद में वो मर गया, उसकी वजह से फिर पूरी टीम मतलब अब चलती बाइक से डाउन हो गया, इतना प्रेशर बन रहा है तो सारे मर गए, और मैं फिर गाड़ी उठा के भागा और मेरे को भी पता नहीं क्या हुआ, मैं कैमिन का दोनों बंदों को मेरे पे हेड लगे चलती गाड़ी, इतनी बुरी किस्मत थी, और पूरी टीम एलिमिनेट टॉप नाइन में टाइम पे। रॉकी भाई आप कास्टिंग करते हैं ना, आप इस चीज से यू नो रूबरू वाकिफ होंगे, दैट क्या हुआ उस टाइम पे मोनिश भाई का थ्रो था, ये बात कर रहे थे, एंड मेरा तो देख ही रहा था तब से ओरैंगुटान लीड की रोटेशन को, एंड जस्ट मैं देख रहा, मैं कहा चलो दिमाग में प्ले बनाना, बिकॉज ये मेरे पे थ्रो करेंगे तो मेरा थ्रो रेडी रहना चाहिए कि मैंने कहां से बात को उठाना, एंड मैं ओरैंगुटान लीड जस्ट देखा मैंने, एंड उसके बाद हल्का सा साइड पे नोट डाउन करने लगा, वापस आके देखा भाई साहब ये क्या चल रहा है भाई, और लिटरली मैं भाई इतना इमोशनल हो गया ना उस टाइम पे, दैट मतलब पता चलता है ना, आप फील करते हो कि उसमें जोन इतने अटपटे नहीं करते जितने फाइनल्स के टाइम में, मतलब कोई बड़े टूर्नामेंट में करते हैं, बड़े बहुत ही अलग जोन कटते हैं, पता नहीं बिल्कुल भाई
अलग अलग मैं तो देख रहा हूँ बरमुडा का मैप आया भाई, सीधा मास इलेक्ट्रिक जा रहा है, जोन हाफ पैकेटरी के मैप पे सीधा स्कीलो जा रहा है, इधर उधर जा रहा है भाई, अपडेट आया है जोन अब सीधा एज की तरफ जा रहा है, बहुत अलग ही जोन कट रहे हैं। नहीं ये कौन सा मैप, पानी में जोन कटा था पहाड़ी भाई, उसके बारे में कुछ शब्द तो मैं सुनने हैं बस, मैंने हम तो बोल लिया भाई, गला फाड़ लिया, मेरा सुनने का मन कर रहा है, वो पहले जोन के बारे में आप क्या बोलोगे? क्या बोलूं उसके बारे में, ऐसा उम्मीद नहीं था कि यार मतलब पानी में कौन कैसे लड़ सकता है, मेरे को ये समझ में, पानी में मतलब एक भी मैं कहूंगा स्क्वायर फुट जमीन की नहीं थी वो सर्कल में, मार इलेक्ट्रिक के नीचे जो वो रहता ना हमारा पानी वाटर बॉडी, वहां पे सर्कल बन रहा है भाई, सारे स्की कर रहे हैं, कोई बच रहा है, ग्लू वॉल्स बन रही है, समझ नहीं आ रहा, लिटरली कुछ भी चल रहा है। नॉर्मन भाई आप देख रहे होंगे ना उस टाइम पे, वहाँ पे उस टीम का एडवांटेज होता है जो या तो जिन्होंने ड्रॉप वगैरह मंगा लिया ऑलरेडी पानी के अंदर, या हाँ बिल्कुल, बट द थिंग वाज दैट टीम टोटल गेमिंग और हेल्पिंग हिम आई थिंक पानी पे ड्रॉप भी आई थिंक कवर दे देता है, तो कवर के वो ड्रॉप के ऊपर ग्लू वॉल बना लेते हैं लोग, आई थिंक मैंने जितना देखा, बिल्कुल, एंड ड्रॉप के ऊपर एंड वहां से सर्वाइव करते हुए जा रहे थे, बट एरो स्पोर्ट्स का एक प्लेयर बच गया था यार, मानो क्या भाई, क्या सवाल कर रहा था कल वाले मैच में, कल वाले मैच में फर्स्ट सर्कल था मेरे, आज इस वाले जो आखिरी सर्कल थे एरो स्पोर्ट्स का एक प्लेयर बच गया था भाई, तो मतलब बेचार बहुत खराब है उसके लिए। चलो और एक चीज आपसे आखिरी चीज जो जानना चाहेंगे पहाड़ी भाई, के बूट कैंप में आपका आज कैसे माहौल था, कुछ गर्मी थी आज के मैचेस के चलते? इज नॉट इन अ बूट कैंप, मैं बूट कैंप पे हूं। बूट कैंप में नहीं हो, ओके, जब अगर आप बूट कैंप पे नहीं होते तो कोऑर्डिनेशन में सिंक कैसे होता है, हम ये भी जानना चाहेंगे। कोऑर्डिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन तो ठीक ही रहता है, बूट कैंप पे होते हैं तब भी ठीक रहता है, बूट कैंप से बाहर रहते हैं तब भी ठीक रहता है, बट एक बूट कैंप पे रहने के बाद अलग सी सिनर्जी बनती है प्लेयर्स के बीच में, भाईचारा बढ़ता है, लड़ाई होती है काफी, भाई बूट कैंप चाहिए ही नहीं भाई, घर बैठे जीत रहे और क्या चाहिए भाई, बताओ ना, डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड में बातचीत कर लेते हैं लोग, मतलब अगर बूट कैंप पे चल लगता है मतलब एक और पॉइंट टेबल वाला ना, एक और चाहिए जो मतलब फर्स्ट के भी ऊपर कोई जाता है तो मतलब इतना बढ़िया खेलने वाले उस टाइम पे। अरे बुटकैम तो अभी चाहिए ही नहीं, डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड चलता है अभी, आई थिंक लॉकडाउन का सीन चल रहा है, जरूरी है बुटकैम, बिकॉज़ अगर तुम्हें आगे के लिए सोचना है, आगे के लिए प्रिपेयर होना है तो उसके लिए बुटकैम, साथ में रहना चार प्लेयर्स का, साथ में कोच का और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि काफी चीजें सीखने को मिलती हैं जो शायद घर पे रह के नहीं मिल सकती किसी को। क्योंकि इंडियन टीम्स के साथ कंपटीशन तो हो ही रही है, लेकिन आपका बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप बाहर के लिए किस तरह से प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि बाहर का मेटा अलग, जैसे आप बात करें आई मीन इंडोनेशिया वगैरह वगैरह के जो मेटाज है वो अलग अलग मेटाज लेके आते हैं, क्या आप उनके साथ किस तरह से स्क्रिप्ट, उनके साथ कंपटीशन करना है तो फिर अपने को कुछ अलग ही हटके सोचना पड़ेगा, लाइक बिल्कुल ही अलग स्ट्रेटेजी। That's true. नहीं वो तो है, वो तो definitely है. And मैं वो बूट कैंप हर बड़ा अच्छा बात कर रहे हैं, हाँ जैसे कह रहे थे रॉकी भाई, अभी आप भी आ रहे हो ना इधर चेन्नई तो और ज्यादा मजा आया, अभी हम लोग कास्टिंग करते थे ना तो मतलब समझ नहीं आता, बॉडी लैंग्वेज देखते ना यहाँ पे, ये मुनीश भाई तो भाई फेल देते हैं, लात मार देते मेरे को आज भाई, पिछली बार लात मार दी मेरे को, कैमरा आ रहा था हमें पता नहीं था भाई, लात मारे खींच के मैं क्या हो गया भाई, that place that place to be honest it was congested, to main to wahan pe actually ek bar cast kar chuka hu, ek event partner program ka tha, to mere ko actually rakha tha back end pe, and I think ib bhai nora was casting, to wahan pe vmix mein dikh raha hai lekin live mein nahi, to wahan pe main kya ye baki mpl wagera hum karte hain you know it tequila, to wahan pe same production hai apne Estonia ki, तो दे वर लाइक रॉकी भाई हाउ इज न्यू ट्रैक, जिंगल बेल ऐसा कुछ था, आई स्टार्टेड डांसिंग एंड आई इज लाइक रॉकी भाई तुम क्या कर रहे हो, हमें हंसी आ रही है, मैं कहा भाई आई एम रियली सॉरी मैं भूल गया कि मैं दिख रहा हूँ वहाँ पे, तो मजा तो आएगा बट प्लेस थोड़ा कंजेस्टेड है। पहाड़ी भाई आपकी टीम ने आज बहुत अच्छा खेला, दो दिन का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ग्रैंड फाइनल्स, और आपके जाते जाते सारे फैंस को एक मैसेज दीजिए कि ग्रैंड फाइनल्स के वक्त सारे फैंस को इंडियन टीम्स को सपोर्ट करना है, थैंक यू सो मच पहाड़ी भाई, एक मैसेज आपके तरफ से ग्रैंड फाइनल्स के लिए। यस, सभी बंदे सपोर्ट करना, फाइनल के दिन मचाएगी टीम इलीट, ओरंगटन इलीट। थैंक यू पहाड़ी भाई जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच,